अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? तो जी गाइस, आप ये देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये क्या नया तजुर्बा होने वाला है, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैं और मेरी कज़न हम बना रहे थे पोटैटो लॉलीपॉप। आप देख सकते हैं हमने आलू को पील कर लिया था एंड उसके बाद हमने वाटर बॉयल होने रख दिया था एंड उसके अंदर हमने आलू को बॉयल कर लिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं आलू हमारे कुक हो चुके थे। उसके बाद ना हमने इनको मैश कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पोटैटोस मैश हो चुके थे, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसके साथ साथ ही आपने इसमें डाल देनी है रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, हल्दी और चाट मसाला। ये सब डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें इसमें ऐड कर लेना है ऑनियन, ग्रीन चिलीज और धनिया। और हमें इसमें बाद में थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। और गाइस, ये बनाने के साथ साथ ना हम इंजॉय कर रहे थे ये पिज़्ज़ा, मज़े का ना बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो इसमें डाले हैं जो हमने चॉप किए थे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एंड इसके राउंड बॉल्स बना लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बना लेने हैं आपने इसको। और इसके साथ साथ आपने ब्रेड क्रम्स भी ले लेने हैं। यहाँ पर हमने ये मिक्सचर रेडी करके इसको कोट करके सारा कुछ ब्रेड क्रम्स इसको आपने फ्राई कर लेना है। गाइस डन, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत मज़े की बनी थी ये। उसके बाद यहाँ सब लोग आ गए थे मॉल में, आप देख सकते हैं ये वाइब इस मॉल की कितनी ज़बरदस्त है वैसे। तो जी गाइस, ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ के वाइब्स तो वाइब ही है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स थे डिफरेंट, मतलब जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं गिफ्ट वगैरह के लिए भी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। एंड गाइस, इस मॉल के अंदर एक मिनी सा जू भी था, आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी है माशाल्लाह, मतलब ये इतने प्यारे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे ये। और गाइस, ये वो वन अट्रैक्टिव रीज़न था जिसकी वजह से यहाँ पर सारे लोग जमा हुए हुए थे, मतलब इतने प्यार से देख रहे थे इन सबको एंड दे वर इन्जॉइंग इट सो मच ऑल्सो। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने ज़रूर आना है यहाँ पर इसको देखने भी। तो जी गाइस, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करना चाहती हूँ। छोटा सा व्लॉग था, अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।